मिस्टर प्रसंग कर रहे थे, दादा कह रहे थे बैठ जाइए बैठ जाइए, सुनिए सुनिए। तो कैसे सुनेगा, उधर पूरी छन रहा है, उधर सुनेगा कि इधर सुनेगा, ये सच्चाई। दादा आध्यात्मिक जगत के आदमी है, इसलिए उनको इच्छा है कि आपको सुनाए बताए सही दिशा दिलाए, मगर सच्चाई कुछ और अलग है। हमारा ध्यान आकर्षित है किसी ऐसे चीज पर जो हमको सामूहिक लाभ देता है, इसलिए भगवान को एक मूर्ति का रूप दे के रखे हैं। घर में पूजा का आयोजन करते हैं, कथा करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी आते हैं, माता लोग एकत्र होते हैं, माता लोग एकत्र होकर घर में जो बातें वो कह नहीं पाते वो कथा में आके सब कहते हैं, आपस में मौका मिलता है, सुनना नहीं चाहते। और इसलिए पंडित जी के पास एक घंटी दिया गया, क्योंकि तो सुनते नहीं रहा है पंडित जी, जो कथा का वाचन कर रहे हैं कुछ सुन नहीं रहा है, और इंतजार कर रहे हैं कि कब समाप्त हो। इसलिए पंडित जी के हाथ में घंटी दिया जाता है, पंडित जी घंटी बजा देते हैं, शंख बजा देते हैं, तब उनको समझ में आ जाता है कि अब समाप्त हो गया, अब प्रसाद लेने का पाला है। और वो कौन सा प्रसाद, खीरा, बतासा, पेड़ा, केला, वो लेके घर जाना चाहते हैं और उस प्रसाद को लेके घर में सबको वितरण करना चाहते हैं। आजकल तो लोग देखे कि प्लास्टिक का पैकेट साथ में ले जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रसाद मिले, और उस ज्यादा से ज्यादा प्रसाद से हमारे घर का कल्याण हो जाए। क्या यह संभव है? इसलिए संभव हम सोचते नहीं, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं है। हम भगवान को एक मूर्ति का रूप देके रखे हैं और अपने इच्छा के अनुसार उनको पूजा करते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार जब पूजा करते हैं वो क्या चाहते हैं उसको हमको पता नहीं लगता। हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा भक्त बन गया, वो क्या चाहते हैं ये हमको जानकारी नहीं मिला, और हम अपने आप को उनका भक्त समझने लगते हैं। इसीलिए जब भी विपत्ति आता है तो उन्हीं के पास जाते हैं, जब सुख में रहते हैं भूल जाते हैं, जब दुख आता है और वो दुख में इसलिए जाते हैं उस दुख में विपत्ति में दुर्योग में हमको उसके साथ युद्ध करने का क्षमता नहीं है, उसको युद्ध करके पार नहीं करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमने अपना डेवलपमेंट बहुत किया। हम 10 मकान बनाए, 4 गाड़ी खरीदे, फिक्स डिपॉजिट बनाए, बहुत सारे संपत्ति का आयोजन किए, जिसके डेवलपमेंट जो हुआ ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट विज्ञान के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हुए, चंद्रमा में गए, यहां गए, वहां गए, सारे डेवलपमेंट हुआ, वो हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट किया, हमारे बाहरी रूप का डेवलपमेंट किया। हमारा चेहरा अगर काला है तो सफेद बना दिए, हमारा चेहरा सुंदर नहीं लगता है तो सुंदर बना दिए, ये सारी डेवलपमेंट एक्सटर्नल डेवलपमेंट हुआ, मगर मनुष्य इंटरनली कमजोर होता गया, आंतरिक दृष्टि से वो कमजोर होता गया, उसके मन में भय घुसा, भयभीत होता रहा, छोटी छोटी विपत्ति आया उसको भयभीत कर दिया, जीवन को आनंद लेने को उसको सुजोग नहीं मिला। एक छोटा सा कोरोना अदृश्य वायरस आया, कोरोना के नाम से सारे लोग, विश्व के सारे लोग अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, सारी शक्ति वृथा हो गई। क्यों? हम जो भी पाया, जो भी शक्ति हम अपने अंदर जागृत किए वो बाहरी रूप से हुआ, मगर हमारा आंतरिक रूप से हम कमजोर होते गए। इसीलिए उस कोरोना काल में देखा गया ये सत्संग जगत के लोग पूरे विश्व में 365 दिन लोगों को प्रोत्साहन दिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया। असल में हम जब भयभीत होते हैं हम ईश्वर के पास भी जाते हैं भय के कारण, ये सच्चाई है।
अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, शनिवार को नाखून काटेंगे शनि देवता नाराज हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काटेगा तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बिल्ली मनुष्य के जीवन को तय कर रहा है, सच्चाई है, सच्चाई का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान को एक अदृश्य शक्ति बना के रखे हैं, भगवान को जीवन के रूप में हम नहीं रखे हैं। इसीलिए वही भगवान हमको दिशा दिखाने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए हर युग में मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, किसी अलग रूप से नहीं आते हैं, मनुष्य का रूप ही धारण करते हैं, कभी राम कभी कृष्ण कभी बुद्ध कभी जीसस कभी हजरत मोहम्मद कभी चैतन्य महाप्रभु कभी राम कृष्ण परमहंस देव कभी श्री श्री ठाकुर कुलचंद जी के रूप में। वही मनुष्य जो मनुष्य का शरीर धारण हम किए हैं, हम भगवान को अलग रख रहे हैं, भगवान को अलग सोच रहे हैं कि ये भगवान ही कर सकता है, ये मनुष्य नहीं कर सकता है, भगवान को अपने से अलग कर दिए। वही समझाने के लिए तुम भी हर व्यक्ति हर मनुष्य उनकी सृष्टि हर मनुष्य भगवान बन सकता है। इसलिए हर युग में वो आते हैं कि युगों के अनुसार नियम का परिवर्तन होता है। जब कृष्ण बन के आए बोलते हैं कि चला जला ही धर्म शक्ला निर्भवति वार्धवदानं अधर्मस्य तदात्मानं सिजान्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं। और बोलते हैं कि दुष्कृत को विनाश करना हमारा आगमन का उद्देश्य है, और उन्होंने अपने भक्त अर्जुन के द्वारा करके दिखाया। और श्री ठाकुर वही श्री कृष्ण इस युग में आके अनुकूल चंद्र जी के रूप में आके कहते हैं कि धर्म जखन विपक वाहिनी व्यर्थ अर्थे धाय प्रेरित तखन आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। कृष्ण बन के आके बोलते हैं पापी को विनाश करना है, अनुकूल चंद्र जी बन के आते हैं तो बोलते हैं कि पापी को त्राण देना है, परित्राण देना है, वाल्मीकि बनाना है। इस समय वो युद्ध की पथ अवलंबन करते तो मनुष्य सारा जीवन युद्ध करते करते बीत जाता, जीवन का आनंद नहीं ले पाता। इसीलिए उन्होंने बताया मनुष्य के जीवन को परित्राण देके, पापी को परित्राण देके ईश्वर जैसा बनाना, इस युग का आगमन का उनका यही उद्देश्य है। इसीलिए हमें जीवन के आदर्श से युक्त होना पड़ेगा। जब तक जीवन के आदर्श से युक्त नहीं होंगे, जीवन के सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, जीवन के सही राह पर हम चल नहीं पाएंगे, जब सही राह पर चल नहीं पाएंगे तब जीवन में भगवान के प्रति विश्वास तो है मगर भरोसा नहीं होगा। आज इस भगवान को विश्वास कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिला, कल दूसरे भगवान के पास चले जाएंगे, परसों तीसरे के पास, ऐसे जीवन भर घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, और वही सारा जीवन गुरु के सान्निध्य में ना जाकर वही ब्रह्मा और विष्णु और महेश्वर को खोजते रहेंगे, मिलेगा नहीं। इसीलिए जीवन को सही दिशा मार्ग पर चलाने के लिए जीवन का आदर्श जो इस युग के पुरुषोत्तम है उनके सान्निध्य में जाना पड़ेगा। उनके सान्निध्य में जाने से हमारे जीवन का डिसिप्लिन होगा, जब डिसिप्लिन होगा तब हम सारी चीजों का ज्ञान हमको प्राप्त होगा, तब इधर उधर नहीं भटकेंगे। असल में होता क्या है, हमारे अंदर अगर भय रहता है तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पंडित कहते हैं, धर्म के रक्षक कहते हैं, वो हमको दिशा भ्रमित करते हैं, हमको उस भय को और बढ़ा देते हैं, और उस भय को बढ़ा के वो अपने आत्म स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, वो ईश्वर की स्वार्थ प्रतिष्ठा उनका मतलब नहीं रहता, जिससे हमारा जीवन और भयभीत हो जाता है। इसीलिए जीवन में गुरु आदर्श पुरुषोत्तम से युक्त होना वो हमारे जीवन की संपूर्ण समाधान है, हमारे जीवन की आंतरिक शक्ति को जागृत कराता है। हम भगवान को पूजा करते हैं, कितना माला फूल चंदन बेलपत्ता क्या क्या ये नियम, शनिवार को शुक्रवार को बुधवार को मंगलवार को, ये सारे नियमों के जाल में हम फंसे हैं, मगर हमको जो पूजा करना है, जिसकी पूजा करना है, हमारे घर में ही भगवान है, पिता माता के रूप में भगवान है, हमारे गुरुजनों के रूप में भगवान है, बड़े भाई के रूप में भगवान है, उस भगवान को हम मानते नहीं, और उस भगवान को मानना चाहते हैं जिस भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं। इसीलिए गुरु के पास आने से, जीवन तो आदर्श के पास आने से, हमारे घर में जो जीवन तो भगवान है उसको जब मानने लगेंगे ऑटोमेटिकली वो भगवान हमारे निकट प्रकट होंगे। यही गुरु का सानिध्य में जाना जरूरी है। इसीलिए आज इतना सुंदर अभी दादा ने बताया हमारे बसकदा के बारे में, हमारे सहपाठी थे और
एक साथ हम लोग नौकरी भी की है। कितना समय आपकी जिंदगी है ये आपको इससे कोई मतलब नहीं। कितना समय आपका जीवन काल पाया इससे आपका कोई लेना देना नहीं, इसका आपका कोई हाथ नहीं। मगर जितना समय आपने जिंदगी पाया उतना समय आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का कितना उम्र था, शंकराचार्य जी का कितना उम्र था, कितना बड़ा काम करके विश्व को हिला दिया। इसीलिए महत्वपूर्ण वो नहीं है कि कितना जीवन काल हमारा हुआ, महत्वपूर्ण यह है जितना भी जीवन काल हुआ उस जीवन काल को मैंने कैसे बिताया। इसीलिए जीवन में इष्ट आदर्श पुरुषोत्तम होना जरूरी है जिससे हमको यह सारी प्राप्ति संभव होती है। एक समय सीमा रहता है सत्संग में, वो पार हो गया क्योंकि बहुत सारे भक्तों था, भक्त का समागम था, सबको सुनना था, इसीलिए थोड़ा समय पार हो गया। आज जितने भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु।